गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है उमर चांद। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको तीन क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन था, नेम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम मेल गैमेट्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है टेस्टिस, और व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही इसका सही आंसर दिया था लविश एंड आरिफ ने। फिर सेकंड क्वेश्चन था, नेम द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल। तो जितने भी हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स पड़े थे, उनमें से अगर टेस्टिस को साइड पे कर दें, बाकी सारे के सारे ऑर्गन्स आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाएंगे, जिसमें आपका सेमनिफेरस टिब्यूल्स हैं, रेटे टेस्टिस हैं, वॉस आइफ्रेंशिया है, एपिडिडाइमस है, वॉस डिफरेंशिया है, पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, पेयर्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड एंड पेनिस। ठीक है, पेयर्ड मैंने दो जगह यूज किया है, इसका मतलब ये है कि सेमाइनल वेसिकल दो होते हैं और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी दो होते हैं, और इसका भी सही आंसर जो है लविश एंड आरिफ ने दिया था। ठीक, थर्ड क्वेश्चन था कि द प्रोसेस बाय विच फोर स्किन ऑफ पेनिस इज रिमूव्ड इन मुस्लिम्स एंड ज्यू इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं सर्कमसिशन। देखिए, एक चीज का यहाँ पे एक चीज नोट करना, मैंने जब क्वेश्चन आपसे पूछा था उस वक्त एक चीज मिस की थी मैंने, वहां पे ये चीज मेंशन नहीं की थी मैंने, ये वाला वर्ड जो है, ठीक है, प्रीप्यूस। प्रीप्यूस भी फोरस्किन को ही बोलते हैं, वहां मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा था लेकिन यहाँ पे लिखा है, नोट कर लीजिए। अगर कहीं पे ये वर्ड आगे यूज होगा आज के लेक्चर में भी, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि फोरस्किन को ही प्रीप्यूस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब क्या होता है कि ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जो मुस्लिम और ज्यूज जिसके जिस प्रोसेस से इस स्किन को रिमूव करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कमसिशन। ठीक है, और इसका भी सही आंसर लविश एंड आरिफ ने दिया था। देखिए, बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट्स आंसर देते हैं। आंसर देने का मतलब ये हुआ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तभी जाके आपको आंसर्स भी मिल रहे हैं। और आप उतना ही नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने लेक्चर में नहीं दिए थे, ये एक्स्ट्रा पूछे थे मैंने। और अगर आप लोग ये आंसर देते हैं, इट मीन्स आप एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद एक और स्टूडेंट है आशु, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर्कमसिशन क्यों की जाती है, मुस्लिम एंड ज्यूज इस सर्कमसिशन क्यों करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, उससे पहले आप क्या कर लें, आप एक बार इस पिक्चर को देख लीजिए जो यहाँ पे डायग्राम है। इसमें क्या है, जो ये वाला है इसमें सर्कमसिशन की हुई है और इसमें सर्कमसिशन नहीं की है। ठीक है, और इसमें आपको ग्लैंड पेनिस दिख रहा है, और ग्लैंड पेनिस के पीछे यहाँ पे ये जो पोर्शन है जहां मैंने मार्क किया है, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड होते हैं जिनका नाम है प्रीप्यूशियल ग्लैंड। वो प्रीप्यूशियल ग्लैंड कुछ सिक्रीशंस सिक्रेट करते हैं, व्हाइट कलर की सिक्रीशंस होती हैं, जिन्हें बोलते हैं स्मैग्मा। क्या बोलते हैं, स्मैग्मा बोलते हैं। वो स्मैग्मा जब ज्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। इसीलिए डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप अपने एक्सटर्नल जेनिटल्स को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, साफ करना चाहिए। ठीक है, और इस केस में जो मुस्लिम्स एंड ज्यूज जो रिमूव करते हैं, उसका यही रीजन है, साइंटिफिक रीजन, कि ये जो व्हाइट सबस्टांस है ये ज्यादा यहाँ पे कलेक्ट ना हो और इसकी सफाई अच्छे से की जाए, पेनिस जो है साफ अच्छे से किया जा सके, ये साइंटिफिक रीजन है। इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स स्टडीज ये भी कहती हैं कि सर्कमसिशन प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ एचआईवी एड्स। ठीक है, स्प्रेड ऑफ एचआईवी एड्स फैलने से रोकता है, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, क्योंकि पार्टनर टू पार्टनर जाता है। और सफाई, देखिए, आपको जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, स्पेशली एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स इन मेल हो या फीमेल हो, उनको साफ रखना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, इसको पहले इरेज कर लेते हैं।
चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप पे पूछिए, हम आपका यहाँ पे नाम भी मेंशन करेंगे, और जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा अगर आप उसके आंसर देते हैं तो भी आपके नेम्स यहाँ पे मेंशन होंगे। ठीक है, अच्छा लगता है जब आप आंसर भी देते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहाँ पे लोकेटेड होता है, इसकी लोकेशन क्या है, पेल्विक रीजन में होता है। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, पहले आता है अ पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर का मतलब दो, तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरीज कितनी होती हैं, दो होती है। अगर दो ओवरीज हैं तो उनमें से निकलने वाली डक्ट्स भी दो होंगी, तो सेकंड क्या है, अ पेयर ऑफ ओवी डक्ट्स, ये जो दोनों ओवी डक्ट्स हैं ये ओपन होती हैं यूट्रस में, तो यूट्रस एक होता है। ठीक है, उसके बाद यूट्रस का नीचे वाले पोर्शन को हम सर्विक्स बोलते हैं, जो थोड़ा नैरो पोर्शन होता है। ठीक, उसके बाद आता है, सर्विक्स ओपन होता है वेजाइना में। ठीक है, और वेजाइना के बाहर जितने पार्ट्स होते हैं वो आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में या एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, वो कौन कौन से हैं उनके नाम मैंने आगे मेंशन किए। ठीक है, चलिए, ये मैंने जितने भी नाम लिए हैं, ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस, वेजाइना, सॉरी इसमें सर्विक्स भी है और आपके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है, इनमें अगर हम मेमरी ग्लैंड्स को ऐड करें तो क्या होगा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो फंक्शनली सपोर्ट करेगा, ये सब मिलके सपोर्ट करते हैं किसको, ओवुलेशन को। ओवुलेशन क्या होता है, ओवुलेशन क्या होता है, एग का रिलीज होना। ठीक है, एग का रिलीज होने को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। फीमेल्स में ये क्या होता है, एग का रिलीज होना। एग रिलीज होने को हम बोलते हैं ओवुलेशन। उसके बाद अगर स्पर्म फीमेल वजाइना के अंदर आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन होगी, प्रेगनेंसी होगी, एंड देन बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो ये सारा सिस्टम जो है, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और प्लस मेमोरी ग्लैंड्स, ये सब मिलके इस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। स्पेशली जो मेमोरी ग्लैंड्स के फंक्शन है वो दो है, एक है सेक्सुअल अट्रैक्शन, ठीक है, जिसको लिबिडो बोलते हैं या सेक्सुअल अर्ज भी बोलते हैं, ए मेल पार्टनर गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फीमेल। ठीक है, एक ये है, लेकिन सबसे बड़ा फंक्शन जो मेमोरी ग्लैंड्स का है वो है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जब बेबी पैदा हो जाता है, आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड की केयर में, चाइल्ड की फीडिंग के लिए मेमोरी ग्लैंड्स जो है बहुत ही यूजफुल है, सबसे बड़ा फंक्शन इनका यही है। ठीक है, चलिए, सॉरी, चलिए, इसके बाद हम पहले देख लेते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड की एनाटॉमी है, फीमेल मेमोरी ग्लैंड्स को ही ब्रेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स को फीमेल ब्रेस्ट कहते हैं। ये वाली जो आपकी डायग्राम है इसमें आपको निपल एंड एरियोला दिख रहे हैं, और जो राइट साइड पे जो डायग्राम है उसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको पूरा अंदर के सारे भी इसके पार्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले चेस्ट वॉल में देखते हैं, ये रिब्स हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये रिब्स हैं, और रिब्स के बीच वाला जो मसल होते हैं जिनको मैं एरो दे रहा हूं, ठीक है, ये जो होते हैं ये होते हैं मसल, कौन से मसल होते हैं, इनको बोलते हैं इंटर कोस्टल मसल्स। ठीक है, सॉरी आईसी लिखा मैंने, इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। फिर ये वाले मसल्स आते हैं, ठीक है, फिर ये वाले मसल्स आते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पेक्टोरल मसल, इनको क्या बोलते हैं, पेक्टोरल मसल। नेक्स्ट वाली डायग्राम में पेक्टोरल मसल की नेमिंग की हुई है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए पेक्टोरल मसल्स। उसके बाद ये तीनों चीजें, यानी दो टाइप के मसल्स और रिब्स मिला के बनाती हैं चेस्ट वॉल, और चेस्ट वॉल के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फैटी टिश्यू दिख रहा होगा। ठीक है, ये फैटी टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, लोब्स होते हैं, और ये एक लोब है, ये जो है ये एक लोब है, और इस लोब के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है,
लोब्यूल्स का दूसरा नाम क्या है? मेमोरी आयरोल्स, सॉरी मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी एल्वियोलस बोलते हैं लोब्यूल्स को. अगर कहीं पे मेमोरी एल्वियोलस मिला या लोब्यूल्स, तो वन इज द सेम थिंग. ओके, उसके बाद लोब से बाहर डक्ट्स निकलती हैं और ये डक्ट्स निपल में चली जाती हैं और निपल से बाहर मिल्क आता है जो कि बेबी सक करता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे. ठीक है, और निपल के सराउंडिंग में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं, जो ब्राउनिश रीजन है इसको बोलते हैं एरियोल. ठीक है, चलिए ये था आपका मेमोरी ग्लैंड. ये आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम है, इसमें भी वही चीजें हैं. अब दोबारा से देख सकते हैं, पहले यहां पे रिब्स हैं, सॉरी ये देखिए यहां पे रिब्स हैं, फिर ये बड़े मसल जो हैं, यही वाले कौन से हैं? आईसी मसल्स, इंटरकोस्टल मसल. ये आपने 11th क्लास में जब आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां पे ये अच्छे से देखा होगा आपने कि किस तरह से इनका फंक्शन क्या होता है, कैसा होता है. ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स. उसके बाद नीचे जो है इन इसके बाहर वाली साइड में होते हैं कौन से, ये वाले जो मसल आपको दिख रहे होंगे, ये वाला जो पोर्शन आपका है, ये क्या है आपका? पेक्टोरलिस या फिर पेक्टोरियल मसल्स भी बोलते हैं. ठीक है, पेक्टोरल मसल बोलते हैं इनको. और ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती है? ये वाले जो है, ये सारा मिलके बनाता है चेस्ट वॉल बनाता है. क्या बनाता है? सॉरी, चेस्ट वॉल. ठीक है, ये क्या बनाता है? चेस्ट वॉल बनाता है. चेस्ट वॉल की बाहर वाली साइड पे फैट्स होते हैं, ये फैट्स है, फैटी टिश्यू होता है, और इसके अंदर होते हैं आपके लोब्यूल्स या फिर मेमोरी लोब्स. सॉरी, जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है वो लोब होता है, और उसके अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको लोब्यूल्स बोलते हैं या फिर मेमोरी एल्वियोलस बोलते हैं. ठीक है, ये मेमोरी एल्वियोलस से बाहर जो डक्ट्स आती हैं उनको बोलते हैं मेमोरी डक्ट्स. ठीक है, मेमोरी डक्ट्स थोड़ी आगे चल के ब्रॉड होती हैं, इनको बोलते हैं एम्प्यूला, और एम्प्यूला से बाहर जो डक्ट्स निकलती हैं उनको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स. ठीक है, और लैक्टिफेरस डक्ट्स फाइनली जो है निपल में ओपन होती है. ठीक, और निपल के बाहर वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन जो है यहाँ पे और इस तरफ में यहाँ पे, इसको बोलते हैं एरियोला. यहाँ पे भी ये है लोब्यूल्स दिखाए हुए हैं, और ये बाहर के लिए जो यहाँ पे आके क्या होगा, यहाँ पे निपल्स होंगे, निपल होगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये था आपका मेमोरी ग्लैंड. चलिए, सॉरी पहले इरेज करना होगा हमें. चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर नीचे वाली साइड से आप देखेंगे, ये देखिए ये जो रीजन है यहाँ पे जहां मैंने ये मार्क लगाया है, इसको ये ओपनिंग है यहाँ पे, यहां से वेजाइना आ रहा है, ध्यान से देखिए. ठीक है, ये वेजाइना है, और यहाँ पे ये जो ओपनिंग है, ठीक है, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? वेजाइनल ऑरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग. ठीक है, और इससे बाहर वाली साइड में ये दो लिप लाइक स्ट्रक्चर है, एक अंदर वाला है ये जो ब्राउन कलर में मेंशन किया है यहां से, ये वाला. ठीक है, इसको बोलते हैं लेबियम माइनोरा. क्या बोलते हैं? लेबियम माइनोरा बोलते हैं. और जो बाहर वाला है ये वाला लिप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लेबियम मेजुरा. ठीक है, लेबियम सिंगुलर है और प्लूरल इसका लेबिया है. आगे यूज किया है मैंने टर्म लेबिया, क्योंकि यहाँ पे दो लिप लाइक स्ट्रक्चर होंगे, माइनोरा भी और मेजोरा भी, तो इन दोनों के साथ आगे मैंने लेबिया यूज किया होगा. क्या क्या होगा? एल ए
बी आई ए लेबिया, ये प्लूरल है, ये क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहां पे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होगा ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्लाइटोरिस, क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। इट इज होमोलोगस टू पेनिस ऑफ मेल, ठीक है। वहां पे इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या क्लाइटोरिस का, इसमें स्टिमुलेशन, सेक्सुअल स्टिमुलेशन, यानी एक अर्ज या डिजायर पैदा करना सेक्स के लिए इसका काम होता है, और इसको हम होमोलोगस टू मेल पेनिस भी बोलते हैं, ठीक है। जब आगे आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी फोरस्किन प्रेजेंट होती है जिसको हम प्रिप्यूस बोलते हैं, ठीक है। अगली डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा, पहले यहां तक याद रखिए कि क्लाइटोरिस होता है एब्डोमन की तरफ में एक फिंगर लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये देखिए आप, ये जो यहां पे मैंने सर्कल मार्क किया है ये यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, यानी यहां से यूरिन आता है, यहां से यूरिन आता है यूरिथ्रा के थ्रू, ये ऊपर यूरिनरी ब्लेडर है, ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लेडर है, ये यूरिनरी ब्लेडर है, यहां से यूरिन पास होता है यूरिथ्रल ओपनिंग से और यहां से यूरिन बाहर आता है, ठीक है। और ये है आपका वेजाइना, वेजाइना के पीछे जो रीजन आता है उसको बोलते हैं हम सर्विक्स, क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। और सर्विक्स से ऊपर जो है वो है यूट्रस, वो क्या है, यूट्रस है, ठीक। यहां पे एक चीज मिस है, वो है ओवरीज और ओविडक्ट्स यहां पे नहीं दिखाई है, वो नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं, क्योंकि वो यूट्रस के दो तरफ में होती है, एक तरफ ये और एक इसकी सेकंड तरफ में जो होगा वहां पे ओविडक्ट्स निकलेंगी और आगे चल के उनमें ओवरीज होगी। बट एक पॉइंट जो और यहाँ पे याद रखने वाला है वो ये है कि अगर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ यूट्रस, तो यूट्रस कहाँ लोकेटेड है, आप कह सकते हो इन बिटवीन रेक्टम, ये जो पीछे है ये रेक्टम है, इन बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। तो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, रेक्टम और यूरिनरी ब्लेडर के बिटवीन में, बीच में, ठीक है। चलिए ये डायग्राम जो है ये भी वैसी डायग्राम है, अब ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट से ली गई डायग्राम है, तो इसके अंदर आपको यूट्रस के लेफ्ट और राइट में क्या दिख रही है, आपको फेलोपियन ट्यूब दिख रही है जिनको हम ओवी डक्ट बोलते हैं, जिनको हम ओवी डक्ट बोलते हैं, ये वाली जो डक्ट है, ये वाली जो डक्ट है यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये जो है फेलोपियन ट्यूब है जो पिछले डायग्राम में आपको नहीं दिख रही थी, दो फेलोपियन ट्यूब्स हैं और दो फेलोपियन ट्यूब कहां से स्टार्ट होती, यहां से स्टार्ट होती है और यूट्रस तक, या यूट्रस से लेकर ओवरी तक, ये क्या है, ये आपकी ओवरी है, ये भी दो होती है, एक लेफ्ट में होती है और एक राइट ऑफ एब्डोमेन में होती है, ठीक है। ओवरी भी देख लिया आपने, ओवरी से निकलने वाली ओविडक्ट जो यूट्रस में आती है, यूट्रस भी देख लिया आप, यूट्रस के नीचे वाली जो कैविटी होती है, सॉरी यूट्रस के नीचे जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको सर्विक्स बोलते हैं, ये थोड़ा नैरो होता है और यहां से आगे वजाइना होता है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स या दो नेम और दिखेंगे आपको, एक इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस। इंटरनल ऑस क्या होता है, यहाँ पे एक वॉल्व होता है, स्फिंक्टर होता है, एक स्टॉप लगा हुआ होता है, ये यूट्रस और सर्विक्स के बीच में होता है, और एक्सटर्नल ऑस जो होता है सर्विक्स और वजाइना के बीच में होता है, ठीक। तो यहां पे ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं फिम्ब्रिया, क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिया या फिम्ब्रिया बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर यह है आपका यूट्रस, चलिए अब डिटेल में वन बाय वन ऑर्गन्स को पढ़ते हैं। ओवरीज, ओवरीज क्योंकि यहां पे ओवरीज का फंक्शन क्या है, पहले सेकंड लाइन में फंक्शन देख लीजिए, दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, तो हम कह सकते हैं ओवरीज क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है? ओवरीज है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करती है गैमेट। ठीक, इसके अलावा ओवरीज एक सेकेंड फंक्शन भी करती है, वो है दे प्रोड्यूस हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। और इसमें दो एग्जांपल आपकी है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। क्लियर? चलिए, ओवरीज कहां पे होती हैं? मैंने पीछे भी डायग्राम में आपको बता दिया, वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। एब्डोमेन का जो लोअर पोर्शन है वहां पे एक लेफ्ट साइड में होगी और एक राइट साइड में होगी। ठीक है, साइज की बात करें तो हर एक ओवरी का साइज 2 to 4 centimeter होता है। ठीक है, और ये एब्डोमेन में पेल्विक कैविटी के अंदर होता है, पेल्विक रीजन में होता है। तो जो पेल्विक कैविटी है उसकी वॉल के साथ ये जुड़ा रहता है, आपका यूट्रस है, ये जुड़ा रहता है बाय लिगामेंट्स। ठीक, लिगामेंट्स आर जस्ट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, ये सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सेंटर में ऐसे कोई लटक के चीज नहीं रहेगी, तो इसको पकड़े रखने के लिए लिगामेंट्स होते हैं। ठीक, ये डायग्राम और ज्यादा क्लियर आपके डाउट को क्लियर करेगी कि पूरा एग्जैक्ट दिखा रहे हैं कि कैसे कहां पे लोकेट होता है। ये देखिए, इस सर्कल को देख लीजिए पहले, इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। और यहां पे आपको दिख रही होंगी, यहां पे ये जहां पे मैं डॉट लगा रहा हूं, ये यूट्रस है, और यूट्रस के लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में दो ट्यूब्स निकलती हैं, जिनको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स। और ओविडक्ट्स के लास्ट पे, एंड पॉइंट पे, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको इनको बोलते हैं फिम्ब्रिए। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिए। और इसके साथ में लगी होती है ओवरी। तो दो ओवरीज है, दो फेलोपियन ट्यूब्स है, एक यूट्रस है, एक सर्विक्स है। ये वाला रीजन जो क्या है, ये है सर्विक्स, और यहां से नीचे क्या है, ये है आपका वजाइना। ठीक है, यहां पे भी वही सारी चीजें दोबारा दिखाई हैं, थोड़ी ज्यादा क्लियर डायग्राम है, जूम करके है। ठीक है, इसमें जो एक्स्ट्रा चीज है वो है ये वाली, ये लेयर्स होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ये लेयर्स जो होती हैं आपकी यूट्रस के अंदर की लेयर्स होती है। ठीक है, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, यहां तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू देख लिया है। नेमिंग हमें पता है कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो हम ओवरीज पढ़ रहे हैं, ओवरीज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, सॉरी, यहां पे एक और डायग्राम है। यहां पे एक चीज क्लियर जो आपको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, बट डायग्राम एनसीईआरटी वाली ये चीज शो नहीं करती है, तो ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। यहाँ पे जो ग्रीन कलर की आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, सॉरी, ये वाला रीजन जो है, ये ग्रीन कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। अब जो ओवरी होती है वो फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस के बीच में ऐसे लटक के तो नहीं रह सकती है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे अगेन लिगामेंट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, तो इस तरह से ये लिगामेंट जो है ओवरी को सस्पेंड करके रखते हैं, बीच में पकड़ के रखते हैं, सपोर्ट देते हैं। ऐसा लेफ्ट साइड में भी होता है और ऐसा ही राइट साइड में भी होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपका है, क्या लिखा है कि हर एक ओवरी जो होती है उसके बाहर से, ओवरी के बाहर से जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिथीलियम। एक पतली एपिथीलियम की लेयर होती है जो क्यूबॉइडल सेल से बनी होती है। आगे डायग्राम में आप लेबलिंग देख लीजिए, वहां से और क्लियर हो जाएगा। और इस ओवरी के अंदर जितना भी कुछ मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा। और जो अंदर ये स्ट्रोमा है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए, ओवरी जो है ये राउंड स्ट्रक्चर है, ओवल स्ट्रक्चर है। जितने भी ऑर्गन्स या कोई भी चीज जो राउंड होती है, अगर उसके अंदर वाले पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करें, एक सेंटर वाला मेडुला कहलाएगा और साइड वाला, पेरिफेरी वाला कॉर्टेक्स कहलाएगा। हमेशा हमेशा
चाहे आप किडनी में या ब्रेन वगैरह के स्ट्रक्चर्स भी आप देख लेंगे, वहां पे भी कॉर्टेक्स और मेडुला यूज हुआ होगा। ठीक है, तो मेडुला सेंटर वाला पोर्शन होता है और कॉर्टेक्स पेरिफेरल यानी आउटर बाउंड्री वाली साइड में जो रीजन होता है उसको कहते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे, इसमें जो है बाहर वाली जो लाइनिंग आपको दिख रही होगी, बाहर वाली लाइनिंग, इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखिए हमने पीछे पढ़ा एपिथेलियम और यहाँ पे क्यूबॉइडल का जो वर्ड यूज किया है, क्योंकि ये एपिथेलियम जो है क्यूबॉइडल सेल से बनी होती है, इसलिए इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोला। और इसके अंदर वाला जितना भी आपको जो भी चीज दिख रही है, येलो ब्राउन व्हाइट जितना भी कुछ है, ये सारा का सारा आता है किसमें, स्ट्रोमा। किसमें, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और जो स्ट्रोमा होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक जो सेंट्रल वाला पोर्शन है ब्राउन ब्राउन कलर का, और एक बाहर वाला। जो ब्राउन कलर का सेंट्रल पोर्शन है इसको मेड्यूला बोलते हैं, और जो बाहर वाला रीजन है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक, चलिए ओवरीज पढ़ ली, उसके बाद आता है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स कौन सी हैं आपकी, ओविडक्ट्स जिनको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उसका यूट्रस और फिर वजाइना आता है। ठीक है, तो वन बाय वन लेते हैं। ओविडक्ट देखिए, हमने पढ़ा कि ओविडक्ट दो होती हैं, एक यूट्रस से लेफ्ट साइड के लिए निकलती है और दूसरी यूट्रस से राइट साइड के लिए निकलती है और ओवरी के पास जाके लगती है। ठीक है, साइज की बात करें तो हर एक ओविडक्ट का साइज कितना होता है, 10-12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और ओविडक्ट कहां से कहां तक होता है, ओवरी से लेकर यूट्रस तक। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, हर एक ओवरी के बाहर वाली साइड से लेकर यूट्रस तक आती है एक ओविडक्ट। अगर ओविडक्ट, एक ओविडक्ट को हम लें तो उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। क्या नाम है उनके, इन्फेंडिब्यूलम, एम्प्यूला और इस्थमस। ये सिक्वेंस में याद रखने हैं, इसी तरह से होते हैं, ओवरी वाली साइड से स्टार्ट करते हैं इन्फेंडिब्यूलम, फिर मिडल वाला पोर्शन जो होगा उसको एम्प्यूला बोलेंगे, और जो यूट्रस में ओपन होता है वो उस वाले पार्ट को इस्थमस बोलते हैं। इनफंडिब्यूलम जो होता है ये फनल शेप्ड होता है। कैसा होता है, इट इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। और इसमें एक खास चीज जो होती है वो होते हैं फिंगर लाइक, ये देखिए फनल शेप्ड होती है ये, और फिर इसमें जो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो हमने पीछे भी दिखाया था आपको, इनको बोलते हैं फिम्ब्रिए। ठीक है, दे आर कॉल्ड फिम्ब्रिए। इनका काम क्या होता है कि जब ओवरीज जो है वो एग रिलीज करती हैं, जब ओवरीज एग रिलीज करती हैं तो ये उन एग को पकड़ लेती हैं कि कहीं वो गिर ना जाए, उसको पकड़ के अपने अंदर लेके ओविडक्ट के थ्रू आगे के लिए भेजती। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका एम्प्यूला। तो ये जो फनल शेप्ड पार्ट होता है ओविडक्ट का, इस ये खत्म होते ही दूसरा पार्ट शुरू होता है जो थोड़ा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। ठीक है, और एम्प्यूला के बाद जो थर्ड पोर्शन आता है, लास्ट पार्ट आता है ओविडक्ट का, उसको हम बोलते हैं इस्थमस। ये थोड़ा नैरो होता है, ठीक है, थोड़ा तंग होता है, और ये खुलता है किसमें, आपके यूट्रस में। ठीक, चलिए अब यूट्रस तक पहुंच गए हैं क्योंकि ओविडक्ट्स ओपन हो रहे हैं यूट्रस में, तो यूट्रस को पढ़ लेते हैं। देखिए यूट्रस जो है इसका दूसरा नाम है वॉम्ब भी बोलते हैं। एक साइंटिफिक टर्म और भी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एच Y S T E R I A, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टीरिया बोलते हैं। ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म है, बट अगर ये याद नहीं रहता है तो आप एटलीस्ट दो नाम तो याद रख सकते हैं, पहला यूट्रस और दूसरा वॉम्ब। ठीक है, हिस्टीरिया मेडिकल टर्म है। ठीक है, यूट्रस की शेप की बात करें तो यूट्रस की शेप कैसी होती है, इनवर्टेड पियर। सिर्फ पियर नहीं, साथ में इनवर्टेड वर्ड भी याद रखें, इनवर्टेड मीन्स के उल्टा,
जो नाशपति होता है पेयर जो होता है अगर उसको आप उल्टा रखेंगे तो जैसे उसकी शेप होती है वैसे ही यूट्रस की शेप होती है, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाई लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। ये वही बात है मैंने पीछे भी कहा था कि यूट्रस जो है ये सेंटर में ऐसे ही लटकी हुई नहीं है, इसके लिए पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स निकलते हैं। कैसे होते हैं लिगामेंट्स वो आपने देख लिए, जो ओवरी को भी सस्पेंड करके रखते हैं, ठीक है। उसी तरह के लिगामेंट्स जो है वो यूट्रस को भी बीच में सस्पेंड करके रखते हैं। यूट्रस जो होता है इट ओपन्स इनटू वेजाइना। यूट्रस किस में ओपन होता है? वेजाइना में। लेकिन बीच में क्या होता है जो कनेक्ट करता है वेजाइना और यूट्रस को, उसको बोलते हैं सर्विक्स या नैरो सर्विक्स। तो पहले यूट्रस, उसके बाद सर्विक्स, उसके बाद वेजाइना। सीक्वेंस याद रखिए, ऊपर यूट्रस है, उसके बाद सर्विक्स आता है और सर्विक्स ओपन होता है वेजाइना। और जो ये सर्विक्स की कैविटी है इसको बोलते हैं हम सर्विकल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विकल कैनाल। एक और टर्म यहाँ पे यूज किया मैंने, बर्थ कैनाल। किसे बोलते हैं? जब ये सर्विकल कैनाल और वेजाइना मिल जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। जब बेबी की डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन होती है, उस वक्त सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना मिलके बर्थ कैनाल बनाते हैं। अगर आप जैसे बर्थ कैनाल सुनो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ सर्विकल कैनाल और वेजाइना मिलके बर्थ कैनाल बनाते हैं, ठीक है। ये इन दोनों का कॉमन नाम है। चलिए नेक्स्ट क्या है? ये जो यूट्रस की वॉल होती है, मैंने पीछे कहा था हम आगे इसमें पढ़ेंगे जो वॉल की लेयर्स होती है। देखो यूट्रस की जो वॉल होती है इसमें थ्री लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? थ्री लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। देखिए एंडो से याद रख लीजिए कि ये अंदर वाला होगा, ठीक है। तो अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो बीच में मायोमेट्रियम होगा और बाहर वाली साइड के लिए पेरीमेट्रियम होगा। आगे लिखा हुआ है बट आप एंडो से इसे याद रख लीजिए, इसे एंडो से अच्छे से याद कर लीजिए। एंडो क्या होता है? एंडो होता है अंदर की तरफ। तो जो अंदर की तरफ लेयर होगी उसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आएगी उसको बोलेंगे मायोमेट्रियम, ठीक है। और मायोमेट्रियम के बाद बाहर जो होगी वो क्या होगी? पेरीमेट्रियम होगी, ठीक है, पेरीमेट्रियम। एक और चीज है यहाँ पे जो वर्ड है वो है मायोमेट्रियम। देखो मायो का वर्ड जो होता है ये इट इज यूज फॉर मसल्स। किसके लिए यूज होता है? ये मसल के लिए। तो मायो जहां पे भी दिखेगा तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व है। तो मायोमेट्रियम जो लेयर है ये मसल से बनी होती, स्मूथ मसल से बनी होती, ठीक है। चलिए यहाँ पे एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के फंक्शंस लिखे मैंने। सबसे मेन फंक्शन जो एंडोमेट्रियम का है कि ये फीमेल्स के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पहले भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथली साइकिल होता है जिसमें अंदर से एग रिलीज होने से लेकर और डीजनरेशन ऑफ इनर वॉल ऑफ यूट्रस होता है। होता क्या है कि फीमेल्स के अंदर एग रिलीज होता है और वो आके ओविडक्ट में वेट करता है कि स्पर्म आए। बट अगर स्पर्म नहीं आता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, तो वो वहां से डीजनरेट हो जाता है। और इसी बीच डीजनरेट होने से पहले जब एग वेट कर रहा था तो यूट्रस ने प्रिपरेशन की थी, तैयारी की थी कि जाइगोट बनेगा, मैं उसे इम्प्लांट करूंगी अपने पास, ठीक है। अब जाइगोट तो बना नहीं क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, स्पर्म एंटर नहीं किया और जाइगोट बना नहीं, तो क्या होता है कि ये एग भी डिजेनरेट होता है और साथ में यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल थी एंडोमेट्रियम, कौन सी? एंडोमेट्रियम, जो अंदर वाली वॉल थी ये डिजेनरेट हो जाएगी। और नेक्स्ट आफ्टर इसको 60 डेज का एक साइकिल होता है। कैसे 60 डेज का बोल रहा हूं मैं आगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे वहां पे मैं डिटेल में बोलूंगा। अभी बस इतना याद रखिए कि जो एंडोमेट्रियम है, जो एंडोमेट्रियम है ये डिजनरेट होता है और फिर से दोबारा बनता है रिजनरेट होके, और इसको 60 डेज का टाइम लगता है। इस पूरे साइकिल को 60 डेज का टाइम लगता है। मैं पूरे साइकिल की बोल रहा हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है,
लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने का है, 28 डेज का है, ठीक है। बट जो एंडोमेट्रियम की जो चेंजेस हैं, ओवरऑल चेंजेस हैं, इसमें 60 डेज लगते हैं। अब ये 60 अबाउट 60 नॉट 60 ये 50 टू 60 डेज लगते हैं। वो कैसे लगते हैं वो हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल में पढ़ेंगे, मैं वहां पे बताऊंगा। अभी याद रखिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का, और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में जो इनर वॉल ऑफ यूट्रस है, एंडोमेट्रियम जो है, वो डिजनरेट होती है और दोबारा से रीजनरेट होती है, इसलिए बोला इट अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस, ठीक। तो मायोमेट्रियम का क्या काम है, जो मायोमेट्रियम है इसका मेन रोल है डिलीवरी ऑफ द बेबी में, कहां पे, डिलीवरी ऑफ द बेबी में, जिसको पार्चुरेशन बोलते हैं। उस वक्त क्या होता है, लेबर की जरूरत होती है। लेबर का मतलब क्या होता है, मेहनत। तो जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर यूट्रस की जो ये मिडल लेयर है, ये लेबर करती है, हार्डवर्क करती है, फोर्स लगाती है। देखो मसल से बनी है तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए, देखिए मसल से बनी है तो ये मस्कुलर फोर्स लगाएगी, ठीक है। मस्कुलर फोर्स का मतलब कॉन्ट्रेक्शन, यूट्रस को, बच्चादानी को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिससे बेबी जो होगा वो एक्सपेल होगा, बाहर की तरफ पुश होगा, ठीक है, और बेबी बाहर आएगा, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन या डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। तो मायोमेट्रियम का काम क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस, ठीक, ड्यूरिंग डिलीवरी जो कॉन्ट्रेक्शंस होती हैं फीमेल के अंदर, उनको वो कौन सी लेयर करती, मायोमेट्रियम करती है, ठीक। चलिए जी इसको इरेज कर लेते हैं। अब आपका है हमने जितने भी इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स या इंटरनल ऑर्गन्स हमने देख लिए, अब हम आते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, पहले नाम याद कर लीजिए, फिर हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि कहाँ पे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या होता है, ठीक है। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, इसके अंदर 5 ऑर्गन्स याद रखने हैं आपने, कौन कौन से। पहला मॉन्स प्यूबिस, क्या मेरे साथ बोलिए, मॉन्स प्यूबिस। सेकेंड नाम याद रखिए, लेबिया मेजोरा, और थर्ड है लेबिया माइनोरा। आपको याद आया होगा जब पहली डायग्राम हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की देखी थी, वहां पे लेबियम था, क्योंकि वहां पे एक लिप था, एक लिप लाइक स्ट्रक्चर था, सिंगुलर वर्ड जो था लेबियम, लेकिन यहाँ पे मैं लेबिया मेजोरा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं 2 की बात कर रहा हूँ। जब आगे आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा वहां पे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हाइमन, और फिर आता है आपका क्लाइटोरिस। देखिए अभी आप इतना याद रखिए नाम इनके, आगे मैं 1 by 1 बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो 5 है, मॉन्स प्यूबिस, मेरे साथ रिपीट कीजिए, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस, ठीक है। ये देखिए डायग्राम, यहां पे मैं पहले पेन ऑन कर लेता हूं, ये वाला जो रीजन है जो थोड़ा फूला हुआ है, ये वाला रीजन जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। चलिए इसके ऊपर जो है प्यूबिस, याद आया, प्यूबिस वर्ड से निकला है प्यूबिक, तो ये जो हेयर्स दिख रहे हैं इन हेयर्स को क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर्स, जो कि एक आपने पढ़ा था प्यूबिक हेयर की ग्रोथ कब होती है, जब प्यूबर्टी आती है। तो क्योंकि इस रीजन का नाम है मॉन्स प्यूबिस, और प्यूबिस से निकला इस रीजन में जो हेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे क्लाइटोरिस, पहला क्या है, क्लाइटोरिस है, सॉरी ये ज्यादा हो गया, थोड़ा स्मॉल करते हैं और यहां से पेन ऑन करते हैं, ये हाइलाइटर था। अच्छा ये है आपका क्लाइटोरिस, जो मस्कुलर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर होता है, और इसका काम क्या होता है, सेक्सुअल अर्ज प्रोड्यूस करना, डिजायर ऑफ सेक्स प्रोड्यूस करना, ठीक है, एक स्टिमुलस होता है फीमेल बॉडी के अंदर ये, ठीक है। और इसके ऊपर जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रीप्यूस, याद आया, प्रीप्यूस इसको बोलते हैं फोर स्किन को, ठीक है। तो इसके ऊपर एक स्किन की लेयर सी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रीप्यूस,
लेकिन ये बहुत छोटा होता है, ठीक है, क्लाइटरस जो है बहुत छोटा होता है, और इसके ऊपर प्रिप्यूस देख लिया आपने। उसके बाद लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा की बात कर लेते हैं पहले। ये जो बाहर वाला लिप लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला बाहर वाली साइड से होगा, इधर से, ठीक है, ऐसे करके होगा ये, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। इसको क्या बोलते हैं, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। ये वाला रीजन जो है, इसने एरो यहाँ पे लगाया, थोड़ा आगे होना चाहिए था ये, इधर और इधर तक, ठीक है, लेबिया मेजोरा। और ये जो अंदर वाला लिप लाइक स्ट्रक्चर है, जहां से मैं पेन ये रोटेट करूंगा, ध्यान से देखिए, ये अंदर वाला जो रीजन है, ठीक है, अंदर वाला रीजन, इसको क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। ये लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये फोल्डिंग्स होती है, स्किन की फोल्डिंग्स होती है, बाहर वाली और अंदर वाली फोल्डिंग। बाहर वाली फोल्डिंग को हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं और अंदर वाली को लेबिया माइनोरा बोलते हैं, ठीक। फिर आपको यहां पे दिख रहा होगा, पहले ये इरेज कर लेता हूं ताकि क्लियर हो जाए आपको। चलिए यहां पे देख लीजिए, ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं यूरिथ्रल ऑरिफिस या यूरिथ्रल ओपनिंग। देखिए ऑरिफिस जहां पे भी आएगा इसको मतलब होता है ओपनिंग। तो जो यूरिनरी ब्लेडर आपने देखा था, यूरिनरी ब्लेडर से बाहर यूरिथ्रा आता है और यहां पे ओपन होता है, ठीक, यूरिथ्रल ओपनिंग। और जो नीचे वाली ओपनिंग आपको जो दिख रही है, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। और इसके ऊपर वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ऑरिफिस के ऊपर एक लेयर होती है, क्या होती है, एक लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। अभी नाम याद रखिए, और डिटेल में मैं आगे वन बाय वन बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको यही नाम याद रखने हैं, इसके अलावा आपका ज्यादा नहीं है। यहाँ पे ये एनएस है और यहां से ये एनएस और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बीच का ये पोर्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, अब इनको थोड़ा पढ़ते हैं। आपकी एनसीईआरटी, देखिए मैं आपकी एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर कर लेता हूं, और इसके बाद अब आप एनसीईआरटी बुक्स को एक बार प्लीज पढ़िए। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, या ग्रुप में कल आरिफ ने जो पोस्ट किया है वो पूरा प्रोसेस बताया है, किस तरह से आप दीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे सारी बुक्स मिल जाएंगी। बट अगर वो आपको ज्यादा टफ लगता है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे मुझे बताइए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ एनसीईआरटी बुक का चाहिए, वो मैं आपको दे दूंगा। देखिए एनसीईआरटी बुक्स जो है, दे आर द सोल फॉर मेडिकल एग्जाम स्पेशली नीट, ठीक है। चलिए मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो सबसे ऊपर देखा था हमने, जो फूला हुआ हिस्सा था उसके अंदर क्या होता है, फैटी टिश्यू होता है, ऊपर स्किन और स्किन के ऊपर प्यूबिक हेयर होते हैं। ये हो गया आपका मॉन्स प्यूबिस। फिर उसके बाद लेबिया मेजोरा क्या होता है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू जो मॉन्स प्यूबिस से लेकर नीचे तक पूरा सराउंड करता है वेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है। और उसके अंदर भी एक और फोल्डिंग होती है, पेयर्ड फोल्ड होता है, वो भी दो फोल्ड्स हैं, उनको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। जो लेबिया मेजोरा के अंदर होते हैं उसको बोलते हैं माइनोरा। मेजोरा हुआ बड़ा यानी बाहर, माइनोरा मींस अंदर यानी छोटा, ठीक। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाइमन। हाइमन क्या होता है, जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसके ऊपर एक कवरिंग लगी होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको हाइमन बोलते हैं। द हाइमन इज ऑफन टॉर्न, टॉर्न मीन्स फट जाना या टूट जाना, ठीक है। ये टूट जाती है ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस। क्वाइटस का मतलब क्या हुआ, इंटरकोर्स। जब पहला इंटरकोर्स होता है, फीमेल जो है वो पहला सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, ड्यूरिंग दैट इंटरकोर्स वो हाइमन जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, टॉर्न हो जाती है, ठीक है। बट वर्ड मैंने यूज किया है ध्यान से इस वर्ड में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इतना फोकस इस पे क्यों कर रहा हूं वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा क्यों। मैंने लिखा है ऑफन, अक्सर, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा, अक्सर यानी ज्यादातर ऐसा होता है बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्लाइटोरिस, जिसको मैंने कहा था इट इज अ होमोलोगस, यहां पे मैंने कहा था होमोलोगस टू मेल पेनिस, यहां पे एक मिस्टेक है मेरी, टू मेल पेनिस, ठीक है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है,
जो लेबिया माइनोरा के ऊपर होता है, ठीक है, लेबिया माइनोरा के ऊपर होता है, और या फिर ये कह सकते हो आप यूरिथ्रा के ऊपर होता है। जो लेबिया माइनोरा का ऊपर वाला जंक्शन होता है ये वहां पे प्रेजेंट होता है और यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है। जस्ट फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर होता है, और इसको हम कहते हैं होमोलोगस टू मेल पेनिस। जैसे वहां मेल में पेनिस था तो, या फीमेल पेनिस भी बोलते हैं, बहुत कम यूज करते हैं इस टर्म को, बट यूज करते हैं फीमेल पेनिस। ठीक है, इसका काम क्या है? लिबिडो, इसका फंक्शन है। लिबिडो क्या होता है? सेक्सुअल अर्ज या डिजायर फॉर सेक्स, ठीक है, और ये एक स्टिमुलेशन देता है, इस चीज की ये स्टिमुलेशन देता है। ठीक है, अब जो मैं हाइमन पे इतना फोकस कर रहा था वो क्यों कर रहा था, वो आपकी नेक्स्ट में आपको दिख जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख जाएगा। चलिए पहले एक बार फिर से ये डायग्राम देख लीजिए। कि मैंने, शायद आपको लग रहा होगा मैंने इसमें ज्यादा डायग्राम्स इंक्लूड की हैं, बट इसको रटना नहीं है। ये जितना भी पूरे सिस्टम्स हैं, इसमें जो भी डिटेल है पूरे इस चैप्टर के अंदर, वो आपको समझ के अंडरस्टैंड करके याद करना है, ना कि सीधा रटा मार के। और इसलिए मैं ज्यादा हर एंगल से आपको अलग अलग डायग्राम्स दिखाने की कोशिश करता हूँ, कि ताकि आपके अंदर सारी नेमिंग लेबलिंग जो है क्लियर हो जाए। आपको अगर ये डायग्राम आपके माइंड में होंगी तो आप इजीली इसका आंसर, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर दे सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे अगेन देखिए, देखो ऊपर, सबसे ऊपर देखोगे तो क्लाइटोरिस है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर जो ये स्किन की कवरिंग सी है, इसको हुड ऑफ क्लाइटरस, या फिर क्या बोलते हैं, प्रेप्यूस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यही है वो, जिसको फोर स्किन बोलो या प्रेप्यूस बोलोगे आप तो। ठीक है, PREPUC और E, ठीक है, इसको प्रिप्यूस भी बोलते हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि जो बाहर वाली फोल्डिंग है, एक इस तरफ से है और एक इस तरफ से है। ठीक है, ये पूरी ऊपर से लेकर यहां तक लेबिया मेजुरा, ये एक फोल्डिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है वेजाइनल ओपनिंग को, इसको क्लोज करके रखती है, ठीक है, ताकि इन्फेक्शंस ना हो बाहर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी और फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन इन्फेक्शन इसमें ना जाए, इसलिए ये फोल्ड्स होते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे यूरिथ्रा दिख रहा होगा। जब मैंने क्लाइटोरिस पढ़ाया तब कहा था मैंने कि ये लेबियम माइनोरा के जंक्शन पे होती है, ये लेबियम माइनोरा है, यहां से लेकर ये वाला जो है ये लेबियम माइनोरा है, यहाँ पे ये आपस में मिलते हैं, जहां मैं डार्क कर रहा हूँ, और इधर ही यहाँ पे होता है आपका क्लाइटोरिस, और नीचे क्या होता है, यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, और फिर सबसे नीचे वेजाइनल ओपनिंग है, और इसके ऊपर हाइमन होती है, क्या होती है, हाइमन, एक मेम्ब्रेन होती है। अब इस हाइमन पे मेरा फोकस जो था वो नेक्स्ट स्लाइड पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, हाइमन कैन, मैंने पीछे कहा था कि जब फर्स्ट कोइटस होता, फर्स्ट इंटरकोर्स होता, तो हाइमन उस वक्त टूट जाती है, बट हाइमन जो है इसके अलावा भी और एक्शन से टूट सकती है। कौन कौन से हैं वो? अगर कहीं अचानक जो फीमेल है वो बचपन में कहीं गिरती है या कुछ होता है, तो उस सडन फॉल से या फिर कोई झटका लगता है उसको, या वो जंपिंग करती है बार बार, ज्यादा जंपिंग करती है, या फिर इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पून। ये वेजाइनल टेम्पून क्या होता है, पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ, वेजाइनल टेम्पून क्या होता है। देखिए, फीमेल के अंदर हमने अभी अभी पढ़ा कि मेंसेस आते हैं, मंथली एक साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें ब्लड बाहर आता है, वो ब्लड क्या होता है, वो एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो डिजनरेट होती है, और उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है, तो वो ब्लड भी बाहर आता है, तो उस ब्लड को सोक करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए पैड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, बट कुछ फीमेल जो है इसकी जगह वेजाइनल टेम्पोन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस टेम्पोन, मैं आपको दिखा देता हूं, इसका एक पिक्चर मेरे पास है, ये देखिए, ये वेजाइनल टेम्पोन
टेम्पोन है ये रेयन का बना होता है, ठीक है, एक फाइबर रेयन है उससे बना होता है। इसको फिंगर के साथ अंदर रख लेते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाला होता है, इसकी कैपेबिलिटी जो होती है स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी होती है, तो जो ब्लड वहाँ से आएगा ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद में इसको इस थ्रेड से खींच के बाहर फेंक लेंगी, ठीक है। ये फीमेल्स इसका यूज़ करती हैं। तो देखिए इसके यूज से भी हाइमन ब्रेक हो सकती है, ठीक है। हाइमन ब्रेक कैसे कैसे होगी, पहले या तो कभी गिर गई फीमेल, या फिर कोई झटका लगा जंपिंग की, या फिर ये इंसर्ट किया, या फिर कुछ गर्ल्स जो होती हैं वो स्पोर्ट्स, जो गर्ल होती हैं जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं जैसे हॉर्स राइडिंग है, साइकिलिंग है, तो ऐसे वाले या जिमनास्टिक में जो होती हैं तो उनके अंदर जो है ये ब्रेक हो सकती है। हम इतना डिटेल में ये इसलिए आपके एनसीईआरटी पे भी लिखा है, वो इसलिए है कि एक कस्टम था हमारी जो एंशियंट सोसाइटीज है, इवन आज की सोसाइटीज में भी बहुत से लोग इस चीज को मानते हैं जो साइंस से दूर है, जो साइंस या साइंटिफिक स्टडी से थोड़ा दूर है, साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है, उन लोगों के अंदर उस सोसाइटी के अंदर अभी भी एक मिथ है, एक गलत बात है। वो ये मानते हैं कि अगर आफ्टर मैरिज फर्स्ट नाइट में हाइमन ब्रेक ना हो, देखो हाइमन ब्रेक होगी तो थोड़ी ब्लीडिंग होगी, तो उनका मानना है कि फर्स्ट नाइट में अगर ब्लीडिंग ना हो इट मीन्स हाइमन नहीं टूटी, और हाइमन नहीं टूटी दे बिलीव, उनका मानना है कि उस फीमेल ने पहले ही इंटरकोर्स कर लिया होगा जिसके कारण उसकी हाइमन पहले ब्रेक हुई है, ठीक है, और वो उस लड़की को वर्जिन नहीं मानते, ठीक है। जबकि ये जस्ट अ मिथ है, ये मिथ है, गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा बहुत सारी चीजें मैंने आपको ऊपर बताई जिनसे हाइमन ब्रेक हो सकती है। और कुछ फीमेल्स में वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि इवन आफ्टर कोइटस, इवन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स वो फिर भी नहीं टूटती, तो हम इसको एज अ इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते हैं। गर्ल की वर्जिनिटी को मेजर करने के लिए एज अ इंडिकेटर हम हाइमन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बैड कस्टम है, बैड मिथ है, हमारी सोसाइटीज में है। आप इसके रिगार्डिंग सर्च मार सकते हैं, बहुत सी जगहों पे शादियां टूट गई हैं जस्ट बिकॉज ऑन द फर्स्ट नाइट ब्लीडिंग नहीं। तो आप बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज की अवेयरनेस अपनी सोसाइटी में भी जरूर लाइए, स्पेशली गर्ल्स अपने आसपास, और इस चीज का एहसास दिलाना चाहिए उस सोसाइटी में जहां पर यह चीज अभी भी प्रिवेल कर रही है, ठीक है। तो ये था हाइमन, हमने सारे ऑर्गन्स पढ़ लिए हैं। अभी एक रोल यहाँ पे बीच में जो हार्मोन्स का मैंने मेंशन नहीं किया है कि हार्मोन जो थे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन वो कहाँ बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वाला जो होगा वहाँ पे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ से रिलीज होते हैं या क्या होता है, क्योंकि मेल के केस में हमने पढ़ा था, मेल के केस में वहाँ पे ग्लैंड्स होते थे, तो यहाँ पे हमने स्पेशली कोई ग्लैंड्स नहीं पढ़े हैं, बट हमने सिर्फ इतना कहा कि ओवरीज जो है वो रिलीज करती हैं हार्मोन्स, ठीक है। तो ओवरी कैसे करती है, जिनको हमने स्टार्टिंग में कहा था स्टेरॉइड हार्मोन्स या ओवेरियन हार्मोन, वो कैसे रिलीज होंगे, देखिए अगर जो चीज़ मिस हुई है मेरे से वो आगे मैंने आगे के लिए रखी होगी, उसे इंक्लूड करना है। एनसीईआरटी कम से कम एनसीईआरटी पे लिखी हुई एक एक लाइन को मैं कवर करूंगा, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं ऐडअप करता हूँ, बट ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जा सकता हूँ। इसका रीज़न पहला ये है कि वीडियो लंबी हो जाती है और अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि 2G नेटवर्क है। एंड सेकंड ये चीज़ है कि मेरा जो ये चैनल है, मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, और उनके अंदर मैं, आप सब इसमें इंक्लूड नहीं है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छा पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा भी पढ़ते होंगे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे इस चैनल पे ऐसे होंगे जिनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो उनके लिए मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, और ज़्यादा बाहर लेके जाऊँगा तो वो बोरिंग फील करेंगे, वो बोर्डम फील करेंगे, इसलिए मैं बेसिक चीज़ें और एनसीईआरटी इनफ है, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी को कवर कर रहा हूँ। इसमें अगर बाय द वे कहीं पे मिस हो रहा है, या आपने अपनी एनसीईआरटी कंसल्ट कीजिए, जहाँ पे आपको लगे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ जितने भी स्पेशली व्हाट्सएप के ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं, आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है।
आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जहां जहां तक आप ये पहुंचा सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आपसे आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल होता है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है, खुशी मिलती है और हम आगे भी आपके लिए इसी तरह से लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।